सर आज कैप्टन साहब की रावत जी की आज हेलीकॉप्टर दुर्घटना में डेथ हो गई है। सब पत्नी थे, साथ में टोटल 14 लोग जी थे, जिसमें एक अभी भी इलाज के चल रही है। 13 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और बिपिन रावत साहब काफ़ी अनुभवी, काफ़ी सीनियर नेता, डिफेंस एक्सपर्ट थे, सेना को लीड कर रहे थे, तीनों सेनाओं को। प्रधानमंत्री ने बड़ी जिम्मेवारी दी थी, देश का पहला पद था, और पद पे रहते उनकी मृत्यु हुई है। ये बहुत ही दुखद घटना आज हुई है। हमारे देश के पहले CDS बिपिन रावत, जो देश के थल सेना अध्यक्ष के रूप में भी अपनी विशिष्ट सेवाएं देश को समर्पित कर चुके हैं, चाहे वो कारगिल की लड़ाई हो या अन्य लड़ाइयों में उनके बहुत बड़ा योगदान रहा है। दुश्मनों को जमीन में सर रगड़ने पर मजबूर कर देने वाले ऐसे शेर का आज हम लोगों ने देश ने खोया है। ये बहुत दुखद घटना हुई है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उनके उनके पत्नी सहित अन्य जो 11 व्यक्ति की आज जो इस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान दें, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके घर वालों को, सभी के घर वालों को ये दुख की घड़ी में सहन शक्ति दे कि वो इस दुख को सह सकें। आज हम लोग देश के बहुत बड़े शेर को खोया है। बड़ा ही दुखद ये समाचार आज हम सभी को प्राप्त हुआ है। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.